नमस्कार, कुकिंग विद सुभाष कपूर में आपका स्वागत है। आइए, आज मैं बनाने जा रहा हूँ पाव, जिसको बंद बोलते हैं। तो इसके लिए मेरे को 400 ग्राम के लगभग मैदा चाहिए। एक टीस्पून नमक डालेंगे, 2.5 टीस्पून डालेंगे ईस्ट, ड्राई ईस्ट है ये, 3 चम्मच चीनी के, 1 अंडा, अंडा ऑप्शनल है, आप अंडा स्किप कर सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, बिना अंडे के भी बन जाते हैं। 250 ml चाहिए हमको थोड़ा हल्का गुनगुना सा दूध, मिक्स करके इसका डो लगा लेंगे। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, अगर आइडिया ना हो तो, ज़्यादा भी हो सकता है। ये देखिए, अब इसमें 50 ग्राम के लगभग मक्खन डाल दिया, इसको अच्छे से मसलेंगे, मसल मसल के 5-7 मिनट तक इसको अच्छे से पटक पटक के मसलेंगे, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए डो हमारा। अगर आपके हाथ में चिपकरा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथ में, कुकिंग ऑयल, या तो हल्का सा सूखा मैदा भी लगा सकते हो हाथों में, और अच्छे से मसलना है इसको, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए इसका डो। ये देखिए, अब ये लगभग रेडी हो चुका है, इसको ढक के रख देंगे आप 1 घंटे के लिए, जब तक ये फूल के डबल ना हो जाए। 1 घंटे के बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे नीचे सेल्फ के ऊपर और ये निकालेंगे। ये देखिए डबल हो गया था फूल के आटा हमारा, इसको अच्छे से मसलेंगे, इसकी सारी हवा निकालनी है, ज़ोर ज़ोर से मसल मसल के 1 मिनट तक अच्छे से मसलना है इसको, ताकि इसमें जितने बबल बने होंगे सारी हवा निकल जाए इसकी। अब इसको काटेंगे, 12 बराबर लोइयां बनाएंगे इसकी, 12 भागों में काटना है इसको, 12 बंद बनाएंगे। ऐसे बेलना है इसको, एक एक लोई को, और ऐसे फोल्ड करके और गोल गोल करके पेड़ा सा बना लेना एक। आप इसके बीच में चीज भी स्टफ कर सकते हो, तो मैं प्लेन बना रहा हूँ। ये देखिए, ओवन की ट्रे है ये ओटी जी की, उसमें ऑयल लगा लिया था मैंने, और उसमें लगाते जाएंगे सबको। ये बंद हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, 13 पीस बने हैं। ढक देंगे इसको 1 घंटे के लिए, रेस्ट करने देंगे, ताकि ये फूल के डबल हो जाएं लोइयाँ। ये देखिए, ये फूल के डबल हो गई हैं। अब इसमें ब्रश की सहायता से दूध का और अंडे का एक घोल बनाया मैंने, 1 अंडा और थोड़ा सा दूध डाला है, उसको ब्रश करेंगे ऊपर से। आप दूध दूध का भी घोल ब्रश कर सकते हो, अंडा ना डालें, नहीं खाते हो तो। 5 मिनट के लिए ओटीजी मैंने प्री हीट कर लिया था, गर्म कर लिया था 180 डिग्री पे, इसमें लगा लेंगे अब 18 से 20 मिनट तक बेक होने देंगे, 180 से 200 डिग्री तक। ये देखिए, 20 मिनट में पाव हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, कितना बढ़िया कलर आया है। हल्का हल्का इस पर मक्खन ब्रश करेंगे ऊपर से, ताकि ये सॉफ्ट रहे, इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ये टाइट ना हो जाए, तो नरम रहता है इससे और टेस्टी भी ये होते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया गरम गरम बंद हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, एक काट के दिखाता हूँ मैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं बंद हमारे, गरम गरम है ये, देखिए कितनी बढ़िया जाली आई है इसके अंदर, बहुत सॉफ्ट बना ये। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, तोड़ के भी दिखाता हूँ मैं, बहुत ही सॉफ्ट बंद बने हमारे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।